ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मेरे को आके इसके अंदर पकड़ लेगा। मेरे को तो डर लग रहा था अंदर जाने में। हाय आना। हे उज़्मा, से हाय। इसका नाम भाई हमने बहुत सुना हुआ है, काफ़ी हॉन्टेड प्लेस है दिल्ली की, तो हम अब इसमें हम एंट्री करेंगे। काफ़ी ज़्यादा डरावना है ये, मेरे को आज तक मैं किसी डरावने फोर्ट पे गया नहीं, यहाँ जाऊँगा पहली बार। तो चलिए एंट्री करते अंदर। अगर हॉन्टेड प्लेस की बात की जाए तो अगर आप भूली भटियारी का अगर नाम ना है दिल्ली में हॉन्टेड प्लेस में, तो फ़ायदा नहीं है, तरीके से है ही नहीं कुछ भी। तो आज हम दिखाते हैं, ये भूली भटियारी का अंदर का फोर्ट है। इसकी स्टोरी भूली भटियारी की बहुत ही ये है कि फिरोज शाह जो तुगलक थे उन्होंने बनवाया था। ये देखिए कैसा खंडर जैसा बना रखा है इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मेरे को आके इसके अंदर पकड़ लेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल एक तरीके से रूम सा बना रखा है इन्होंने, काफी बिल्कुल काफी डरावना है। ऐसे बहुत सारे खाने इन्होंने बना रखे हैं, जैसे एक खाना एक ये पीछे की साइड है, एक उधर की साइड है, और एक यहाँ बड़े पेड़ पौधे थे तो इसलिए मैं वहाँ की साइड से गया नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, बस ये कुछ नहीं है कि एक फोर्ट सा है, ज़्यादा बड़ा फोर्ट नहीं है, छोटा सा फोर्ट है ये। एक यहाँ पे रूम सा है, ये देखिए काफ़ी हॉन्टेड टाइप है ये एरिया। ये भी एक छोटा सा रूम है पीछे, छोटा सा ऐसे खंडर से निकला हूँ मैं यहाँ से। पता नहीं यहाँ कोई है नहीं है, ये भी वैसे ही रूम है, ये देख सकते हैं मेरे पीछे। आपको अंदर से दिखाता हूँ कैसा है, ये देखिए बिल्कुल डरावना सा था अंदर, बिल्कुल मेरे को तो डर लग रहा था अंदर जाने में। मेन चीज़ है ना कि भूली भटियारी जो ये है ना, एक ये है रूम पीछे मेरे, देखिए ये वाला खाना, इसमें लिखा हुआ है ऊपर बाकायदे कि अंदर जाना मना है, क्रॉस का निशान दे रखा है जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे जाना मना है। ये मेरे को पता नहीं है किस चीज़ के पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखे हैं, पौधे जो अच्छा सा बढ़िया सा है। काफ़ी छोटा है ये फोर्ट, लेकिन हॉन्टेड में नाम आता है इसका दिल्ली में कि हॉन्टेड प्लेस है भूली भटियारी। इसके पीछे की साइड एक जंगल सा बहुत बढ़िया। वैसे अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप कहीं पे भी जाओ घूमने फिरने के लिए, तो आप ध्यान रखना कि पेड़ पौधों पे प्लीज़ ना चलना। अगर आपको ऐसे जगह दे रखी है चलने के लिए तो उन पर ज़रूर चलना। अभी हम एक और जगह आ गए भूली भटियारी में, ये छत है काफ़ी सुंदर है, यहाँ से मैं आया हूँ। अब यहाँ पे उजाला सा है और सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो काफ़ी हमको हॉन्टेड टाइप डर जैसा कुछ फील नहीं हो रहा। इसकी वैसे बहुत सी कहानियाँ हैं, आपको मैं क्या बताऊँ, दो दो तीन तीन कहानियाँ हैं कि एक यहाँ पे क्वीन वगैरह रहती थी, बाद में वो उनकी डेथ हो गई थी आज से 600 साल पहले, इसलिए भी हॉन्टेड है। और एक कहानी ये भी है कि यहाँ पे राजस्थान की एक भूरी नाम की जो लेडीज़ थी वो खो गई थी, भटकते भटकते वो यहाँ पे आ गई थी, जिसके कारण जो तुगलक थे उनको प्यास लग रही थी, वो यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने मोहतरमा ने उनको पानी वगैरह पिलाया था, जिसके कारण वो उनका शुक्र मनाते, तो वो भूरी नाम की थी भटियारी एक तरीके से, तो भटक गई थी मतलब वो, तो इसलिए उनका नाम ऐसे पड़ गया था। ये काफ़ी कैसा कैसा है ये,
कुछ भूल भुलैया टाइप है। एक ये जगह है, यहाँ से अंदर जाना। ये तो अजीब हो गरीब है कि यहाँ से कोई रास्ता भी है। ये यहाँ बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल देख सकते हो आप मेरे पीछे। यहाँ से ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ना खाना पीना खाते और रसोई वगैरह बंद रखी, उस टाइप का लग रहा है पूरा। ये भी उसी टाइप का है, दो है जैसे, एक उधर की साइड खाना पीना रसोई है, एक इधर की साइड वो है नहाने धोने का, जिस टाइप का होता है पूरा फोर्ट है। तो कोई ना कोई सिस्टम तो इन्होंने बना रखा होगा, बिना मतलब कोई चीज़ सोचे समझे तो बनाई नहीं है। तो बाद में जब वो भूरी की डेथ हो गई थी तो एक तरीके से उनका नाम ऐसे ही रख दिया था, उसी के नाम पे इनका नाम पड़ा है भूली भटियारी। ये पीछे इसका जंगल है भूली भटियारी का, फॉरेस्ट काफ़ी डरावना है ये भी, काफ़ी अच्छा प्लेस है, हॉन्टेड है, लेकिन मतलब हॉन्टेड नाम रखा है, हॉन्टेड नाम हॉन्टेड है नहीं है। बीच बीच में अकेले आओगे तो भाई डर तो लगेगा ही, हर जगह डर लगता हो तो, लेकिन हॉन्टेड है नहीं वैसे ही अगर देखा जाए तो। मेरे हिसाब से तो काफ़ी शांत पीसफुल और काफ़ी अच्छी जगह ही है, और वो भी बिल्कुल झंडे वाला का जो मंदिर है हनुमान जी का, उसके जस्ट पीछे है, बिहाइंड है एकदम, बिल्कुल दूर भी नहीं बिल्कुल पीछे है। ये देख सकते हैं पूरी की पूरी छत है, काफ़ी अच्छी सी, टाइम स्पेंड कीजिए, कोई वो नहीं है। अभी हम आपको यहाँ के जंगल में भी लेके चलेंगे, घूम फिर सकते हो, आराम से घूम सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ऑल टाइम ओपन रहता है, फ्री है इसका है, कोई टिकट वगैरह कुछ नहीं है, गार्ड वगैरह बैठे रहते हैं, गार्ड आराम से बाहर बैठे रहते हैं। जैसे टाइमिंग बोलते हैं तो वो इसकी टाइमिंग है 7:30-8 बजे करीब, और जल्दी बंद हो जाता है 5:30-5 बजे करीब बंद हो जाता है। काफ़ी हॉन्टेड प्लेस इसको माना जाता है, लेकिन मैं अभी अभी अंदर घूम कर आया हूँ और काफ़ी हॉन्टेड प्लेस तो काफ़ी लगा मुझे, कई कई मतलब खानों में, जैसे मैंने आपको दिखाया कि बहुत से खाने थे इसके जो वो भूतिया प्लेस लगे थे मुझे। लेकिन एक तरीके से अब अकेले आप कहीं भी जाओगे तो आपको भूतिया तो लगेगा ही लगेगा, जाहिर सी बात है, और ख़ासकर जहाँ पे कोई ना हो, इस टाइप के फोर्ट हो, छोटे छोटे खंडर टाइप हो, तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। तो मैं अब इसके बाहर आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो गेट पे लॉक हो गया, मतलब इसका गेट ओपन नहीं रखते हैं कि कोई भी कहीं अचानक से अंदर आ जाए, इसलिए गेट इसका ओपन नहीं रखते हैं, तो इसका गेट एक तरीके से ऑफ ही रहता है। आपको बोलना पड़ेगा कि आप एंट्री दे दीजिए, तब जाके एंट्री देते हैं, वैसे गेट इसका लगा ही रहता, ताला लगा ही रहता। तो अभी काम वगैरह अंदर चल रहा था और गार्ड साहब भी दीवार पे बैठे हुए थे।
अब हम जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, इसका जो जंगल है भूली भटियारी का, ये भी बताते काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, तो हमें इसके अंदर हम एंट्री कर रहे हो। काफ़ी हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। एक रास्ता इसका ये एंट्री करते समय और एक रास्ता ये इसका एंट्री करते समय। जो भूली भटियारी का जो पार्क है, जिसे फॉरेस्ट बोलो या पार्क बोलो, ये 73 अराउंड एकड़ में फैला हुआ है पूरा का पूरा पार्क। बहुत बड़े आशीष पहलवान नाम है भाई मेरा, मैं यहाँ अखाड़े से हूँ। नाम है भाई, ये जो किला है ना यहाँ पे, ये राजा महाराजा के टाइम से था। अच्छा, जैसे हमारा इंडिया गेट हो गया, पुराना किला हो गया, जितने भी किले हैं ये तो हमारे राजा महाराजा के टाइम के हैं सारे। तो यहाँ पे राजा ने अपना महल बनाया था और अपनी बीवी के लिए उन्होंने बनाया था चील का पहाड़, क्योंकि राजा की बीवी को पहाड़ का शौकीन था। अच्छा। तो उसने किया मैं पहाड़ों में क्या लेके जाऊं। पहले के टाइम पे अंग्रेजों से हमारा देश आजाद हो गया था, तुम्हें पता है लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो उसने किया हम यहाँ पे पना ले लेते हैं, वो अपनी वाइफ को यहाँ अपना चील के पहाड़ की तरफ घुमाते। पीछे अखाड़ा है अपना, यहाँ पे सारे भाई हमारी बहने आती है, हम लोग सुरक्षा के लिए बैठते हैं यहाँ पर। हमारा मतलब अखाड़ा हमारी हाँ, मैं पी अकेडमी जिम का ट्रेनर हूँ, हमारी दिल्ली में 56 जिम है गोल मार्केट में, हम यहाँ पर अखाड़ा अपना, हम सरकारी नौकर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लॉक वगैरह का क्या आपका जो जहाँ पे अखाड़ा आपका भाई, ये अपना बस्ती वाल्मीकि मंदिर है नीचे, यहाँ पे अपना जिम है और अखाड़ा भी है। क्या नाम है अखाड़े का? अखाड़े का नाम है पी अकेडमी जिम। अच्छा, हमारी दिल्ली के अंदर 56 ब्रांच है जिम है पी अकेडमी, आप गूगल पे उस पे यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे हमने हमारे को टैलेंट ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिला हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गॉड गिफ्ट है हमारे गुरु जी के पास। हमारे पहलवान ओलंपिया तक खेले हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे जिम के अंदर लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं। अगर आप लोगों को भी अखाड़े वगैरह की और जिम वगैरह की ट्रेनिंग चाहिए काफी प्रोफेशनल लेवल पे, तो आप इन भाई के पास आ सकते हो। हमारा काम है मोटे को पतला कराना और पतले को मोटा कराना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका फोन नंबर वगैरह दे दूंगा, तो आप आराम से इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाइयों, ये हमारे भाई है, बहुत बढ़िया भाई से मिलके, बहुत भाई के संपर्क में रहो, बहुत बढ़िया भाई, जय बाबा की भाई, राम राम भाई सारे भाइयों ने। काफी पीसफुल एरिया है, काफ़ी शांत एरिया है, आप यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ फील कर सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो मेरे। ए दोस्त, अरे कहाँ जा रहा है मेरे दोस्त? जरा दिल्ली की काफ़ी फेमस जगह में आता है ये, हॉन्टेड प्लेस का फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तो रहना है, और काफ़ी पीसफुल एरिया है, काफ़ी बढ़िया, आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो, फैमिली वगैरह आ सकती है और फ्रेंड्स वगैरह आ सकते हैं, अपनी जीप वगैरह को लेके आ सकते हैं। शांत पीसफुल खूबसूरत है, कौन बोलता है यार ये हॉन्टेड प्लेस है, हॉन्टेड प्लेस वाला फॉरेस्ट है, जंगल है, यहाँ पे डर सा लगता है जंगल में कुछ हो ना जाए, भूत ऊत ना आ जाए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत एरिया लग रहा है मुझे तो, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे आने में। यहीं जंगल में छोटा मोटा झूले वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पे देख सकते हैं। फ्रॉम रशिया, ओह नाइस प्लेस। Yes. Can you tell me what's your name? Anna. Anna. Oh, nice name. Say hi. Hi, Anna. He or she? He. He. What's his name? Uzma. Uzma. Hey, Uzma. Say hi. He know English? Little bit. A little bit, but he is shy. Oh, shy. Yes. All children are also shy. I was also. Oh, ये रशिया से हो, रशियन बोल रहा है, मतलब थोड़ा क्यूट सा है, बड़ी है, तो इंग्लिश आती नहीं है, लिटिल बिट आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अगर आप इंडिया के खुद हो तो आपको खुद इंग्लिश वगैरह इतनी, आपको फॉरनर लैंग्वेज इतनी आएगी नहीं, इतनी कम उम्र में आपको उसी स्टेट की या उसी कंट्री की लैंग्वेज आएगी बचपन में, क्योंकि आप मेजोरिटी उसी चीज़ की है ना कि आपके आसपास वैसी हुआ है। मैं घूमते घूमते यहाँ पे सड़क का एंड हो गया, हमको दिखाता हूँ आपको, ये जो सड़क है ये एंड हो गया सड़क का, और ये एक रास्ता ये जा रहा और ये रास्ता जा रहा, छोटा सा पता नहीं कैसा है, और जिस रास्ते से हम लोग आए वो रास्ता ये वाला है, दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ पे इन्होंने पहले शायद यहाँ पे बंद था, बैरिंग सी लगा रखी इन्होंने पूरी की पूरी, लेकिन अब ये गिर गई है तो इसलिए पता नहीं चल रहा,
और ये नीचे जा रही है सड़क एकदम डाउन में, काफ़ी शांत प्लेस है। चलते चलते मज़ा आ गया, शांति एकदम प्योरिटी मिल रही है यहाँ पे आके। तो ट्रैकिंग वगैरह भी सही हो गई, ऊपर नीचे पहाड़ है जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखो ऊपर नीचे पहाड़ है, कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर की साइड आ रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, फ्री एंट्री है, मज़े में घूमो आप लोग, आराम से आ सकते हो। यहाँ पे आओगे तो आपको नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन है वो झंडे वाला का है, मुश्किल से आपको 100-200 वॉकिंग डिस्टेंस है। और इसका जो बस स्टैंड पड़ेगा, जो नियर बाय पड़ेगा बस स्टैंड, वो आपका करोल बाग का ही है। झंडे वाला उतर जा, करोल बाग उतर जा, वो एकदम बिल्कुल साथ में ही है। झंडे वाला का जो मंदिर है वो बिल्कुल इसके बिहाइंड है, पीछे की साइड है, उसके मंदिर के बिल्कुल बिहाइंड है ये फोर्ट। और ये जो पीछे ये जंगल है, उसके पीछे एक और जंगल था जो मैंने आपको दिखाया था। तो आप यहाँ पे ओपन रहता है, ओल्ड डेज ओपन रहता है, सोमवार शनिवार संडे सारे दिन ओपन रहता है। ये टाइमिंग इसकी है, सवेरे स्टार्ट हो जाता है 7, 7:30, 8 बजे एंट्री है इसकी, और एग्ज़िट इसकी 5:30 इसकी एग्ज़िट है। अब हॉन्टेड है तो ज़्यादा देर तक इसमें घूमने दिया नहीं जाता, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है इसके अंदर, क्योंकि हॉन्टेड प्लेस के नाम से ये दिल्ली में काफ़ी फेमस है ये जगह। और ये भूली भटियारी और जंगल में मेरे साथ एक फ्रेंड आए, जो उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो आपको मिलवाता हूँ उन भाई से। तो भाई बताइए कुछ। हेलो गाइस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है और मेरा चैनल का नाम है सुनील कुमार ब्लॉग। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, कुछ बताइए। हाँ अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा पार्क है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग आते भी हैं यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज वगैरह भी आते रहते हैं घूमने के लिए। तो ये भाई का चैनल है जो सुनील कुमार ब्लॉग नाम से है। हाँ, सुनील कुमार ब्लॉग नाम से इनका चैनल है, कहूँगा कि इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनका चैनल भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, काफ़ी अच्छे ब्लॉग शूट करते हैं ये भी। और आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियोज़ भी देखेंगे और इनके वीडियोज़ भी देखेंगे, और आपको अगर अच्छे लगेंगे तो आप उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जब तक के लिए खुद को खुश रखिए, स्वस्थ रखिए, कीप वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग, कीप इंजॉय, बाय।